पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन के मामले में तंज कसा है। कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आरोप लगाया कि सपा के दोहरे चरित्र को जनता जानती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ये उनकी निजी आस्था है। बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने के लिए गए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छी बात है कि उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे रहा है, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे रहा है, ये अच्छी बात है। क्योंकि जिस प्रकार से ये जो दोहरा चरित्र है उनका, ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। उनकी पार्टी के नेता किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के बारे में किस प्रकार से टिप्पणी करते हैं, लज्जित करने वाली टिप्पणी करते हैं, और वो आज भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, उनकी निजी आस्था है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इन सब विषयों पर उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है, ये उन्हें बताना चाहिए। और ये उनका दोहरा चरित्र है, क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य से उस विषय में जवाब मांगेंगे जिस प्रकार की टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य जी करते रहे? वो तो अब भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के अवशेष मिले केदारनाथ बद्रीनाथ में। तो ये तो समाजवादी पार्टी का विषय है ना जी, समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, दोहरा चरित्र है, इस पर निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी को बोलना चाहिए। सर, आपने अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम लिया, वो उनका कल भी एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जितने साधु संत भगवा चोले में बैठे रहते हैं वो सब आतंकवादी हैं, उनको आतंकवादी कहना चाहिए। मैंने बार बार ये कहा कि इस विषय, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसमें क्या कहना है, उनका क्या विचार है, उनकी पार्टी का इसमें क्या स्टैंड है, ये जनता को, समाज को उन्हें बताना चाहिए। अखिलेश जी मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक करते हैं जो समाज में किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं है, तो ये उनका दोहरा चरित्र है, लेकिन जनता सब जानती है। अच्छा अखिलेश, वो गठबंधन की बात हो रही है, तो अब अखिलेश यादव पर दोबारा कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है फिर सक्सेसफुल होगा, अभी तो कांग्रेस का विवाद की स्थिति है, ये कंफ्यूज है और इनके निजी विषयों को लेकर गठबंधन है, देश का समाज के हित में इनका कोई मतलब नहीं है। और ये जनता देश प्रदेश की सब जानती है, ये किसी से गठबंधन कर ले, प्रदेश की देश की जनता का गठबंधन योगी जी से है और मोदी जी से। सर, मुजफ्फरनगर में एक मामला देखने को मिला है जहां पर प्रशासन की तरफ से एक कार्रवाई करी गई है, अवैध मदरसों के खिलाफ जो गैर मान्यता प्राप्त है उनको ये कहा गया। निश्चित रूप से सरकार की प्राथमिकताओं में है जो भी चीज़ें अवैध हैं, अनैतिक रूप से जिन्होंने खड़े की है, सरकार सबकी जाँच करा रही है, जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी अवैध पाए जाएंगे, सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।